There is no greater friend than your brother or sister. कहीं ना कहीं जो भाई और बहन का प्यार होता है वो बहुत ही अमेजिंग होता है और बहुत यूनिक भी होता है। मेरी पर्सनल लाइफ में भी मेरे ब्रदर का बहुत बड़ा रोल रहा है, लेकिन मेरे साथ एक ऐसी गेस्ट भी हैं जिनकी लाइफ में उनके ब्रदर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा थ्रू द लैपटॉप। नाउ व्हाट इज दिस स्टोरी ऑल अबाउट? लेट्स हियर इट फ्रॉम हर ओनली, बिकॉज वी हैव अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल गर्ल विद अस टुडे, सलोनी। हाय सलोनी, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ। मैं मुझे एक बात बताओ कि ये जो भाई की स्टोरी है, लैपटॉप उन्होंने आपको दिया था, ये एग्जैक्टली कहानी क्या है? मैम, मेरा ब्रदर बीटेक कर रहा है और अभी कोरोना के चलते वो भी घर पे वापस आ गया था, तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस लग रही थी, तो एक ही लैपटॉप था उस समय पे। तो मेरे ब्रदर ने बोला कि सुबह सुबह मैं क्लासेस लगा लूँ और शाम को वो लगा लेगा। अरे वाह, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। देखा, मैंने कहा भाई हमेशा बुरे वक्त में काम आ ही जाते हैं, है ना। अच्छा, एक चीज़ मुझे और बताओ, जब तुम नीट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही थी तो उस टाइम पे आकाश बायजूस की क्या मदद रही? हाउ डिड यू फाइंड द डिफरेंस? वाज इट हेल्पफुल फॉर यू? यस मैम। मैम, असल में जैसे 12 सितंबर को हमारा एग्ज़ाम था और 8 सितंबर को आई थिंक एक टेस्ट हुआ था आकाश में, और वो सेम क्वेश्चन उठ के नीट में आ गया था। और NCERT माइंड मैप्स, मतलब फिज़िक्स की NCERT वैसे पढ़ी नहीं जाती है मुझसे, लेकिन जब NCERT माइंड मैप्स आए थे तो मैंने उसी से कवर कर ली थी NCERT। व्हेन यू वर टेकिंग कोचिंग फ्रॉम आकाश बायजूस, तो तुम अपने ब्रदर का लैपटॉप यूज़ करती थी, हाउ डिड ही सपोर्ट यू? मैम, मेरा ब्रदर जैसे कोरोना की वजह से घर पे ही आया हुआ था तो ऑनलाइन क्लासेस थी, तो वो सुबह मुझे अपना लैपटॉप दे देता था और फिर शाम को खुद कर लेता था। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा इंजॉय करते हो आप या ऑफलाइन क्लासेस? मैम, ऑनलाइन क्लासेस। एनी स्पेसिफिक रीज़न? मैम, फर्स्ट बेंच वाली फीलिंग आती है और ऐसा लगता है कि सारे टीचर्स का ध्यान हमारे ऊपर है। फर्स्ट बेंच वाली फीलिंग, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो मतलब यू थिंक कि पर्सनल अटेंशन आपको मिलती है जब आप आकाश बायजूस इंस्टीट्यूट से पढ़ते हो? यस मैम। मैम, जैसे जब हम क्लास में होते थे तो बहुत सारे बच्चे होते हैं वहाँ पे, तो जब कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो हमसे पहले बहुत सारे बच्चे कर देते थे, बट फिर जब हम ऑनलाइन आए थे तो टीचर कह देते थे कि बेटा चैट में आंसर लिख दो, तो फिर सबको मतलब इक्वल अटेंशन मिल जाती थी ऑनलाइन में। पर्सनल ट्रेनिंग और पर्सनल अटेंशन की जब भी बात आती है, आई पर्सनली फील दैट एवरी स्टूडेंट डिजर्व्स इट। और सलोनी को भी ग्रूम करने के लिए, हेल्प करने के लिए कहीं ना कहीं आकाश बायजूस ने एक पर्सनल अटेंशन उन्हें दी जो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प आई। अगर आपको भी इसी तरीके की हेल्प और सपोर्ट चाहिए, देन यू नो द डेस्टिनेशन, दैट इज़ akash.ac.in।